नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, बिहार लाइवन बहाली 2023, बिहार में अधिकारियों का हुआ फेरबदल, लाइवन बहाली की एक नई उम्मीद जगी है, जानिए कब आएगा लाइवन बहाली। आगे देख लीजिए, गृह मद निषेध और शिक्षा के अपर मुख्य सचिव बदले गए हैं। देख लीजिए, शिक्षा विभाग के भी अपर मुख्य सचिव बदले गए हैं, तो बिहार लाइवन की क्या उम्मीद जगी है, आखिर कब वैकेंसी निकल के आएगी, शिक्षा विभाग के नया मुख्य अपर सचिव कौन बने हैं, जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चिल्पा नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बताते हैं शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव कौन बने हैं। सो आप वीडियो में बने रहिए। जैसे कि देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, चलिए हम सबसे नीचे बात कर लेते हैं। देख लीजिए, जो कि इससे पहले दीपक कुमार सिंह शिक्षा विभाग के सचिव थे, अब कौन बने हैं सो देख लीजिए। बिहार में देख लीजिए, 16 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, ट्रांसफर किया गया है। जो भी अभी सचिव शिक्षा विभाग के बने हैं, करक है और काम के प्रति पूरे सजग है। इससे पहले भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रह चुके हैं, इनका काम का भी अच्छा खासा जाना जाता है, और इससे पहले जो बने थे उसमें भी अच्छा खासा काम किए थे और काम से ही ये जाने जाते हैं। तो अभी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, तो दोस्तों जो भी आपको ही पता है, नया नया जो भी सचिव बनते हैं तो वह काम शुरू शुरू में काम करते हैं, और जो ये भी सचिव बने हैं आपको ही पता है, ये अच्छा खासा काम करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, अभी जो बने हैं के पाठक बने हैं शिक्षा विभाग अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक जो है विपाड, जो कि इनको अभी शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव बनाया गया है, जो कि इससे पहले देख लीजिए यह कहाँ थे, अपर मुख्य सचिव उत्पाद एवं मद निषेध के अपर मुख्य सचिव थे, और यह काम से ही जाने जाते हैं, अच्छा खासा काम से जाने जाते हैं। तो अभी एक उम्मीद जगी है, क्योंकि अभी हवा हवाई में देखिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार लाइवन के बारे में बोल रहे हैं, और धरातल पर अभी काम नहीं हुआ है, तो यह अभी आए हैं तो यह धरातल पर काम होगा और बहुत जल्द आपको बिहार लाइवन वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी नया बने ही हैं, आज अपना पद ग्रहण किए हैं, तो देख लीजिए क्या अपडेट निकल के आती है। जैसे ही कोई अपडेट निकल के आएगी बिहार में बिहार लाइवन के बारे में, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि के पाठक का नाम आप सुने होंगे, यह काम से ही जाने जाते हैं, तो शिक्षा विभाग में जितना भी पेंडिंग वैकेंसी है सभी को यह क्लियर करवाएंगे, क्योंकि काम से ही जाने जाते हैं और सजग, काम के प्रति पूरा सजग है। थैंक यू।